नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम एमएलए लाइव में। आप सभी के साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कहा जाता है कि सियासतदान महज वादे करने के लिए जाने जाते हैं और जब जब चुनाव करीब आता है तो वादों का खेल खेलते हैं। विकास की बात कही जाती है लेकिन लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि ना विकास की ओर ध्यान देते हैं और ना ही उनकी आवाज सुनते हैं। तो बहुत से ऐसे भी विधायक होते हैं जो बहुत सारा काम भी करते हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन इस खास कार्यक्रम में हम आपको मौका देते हैं अपने विधायक से सीधी बात करने का। इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, तो एमएलए लाइव जिसमें आज हम बात करेंगे दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। अपनी औद्योगिक पहचान के लिए पहचाने जाने वाले बहादुरगढ़ की सियासी इतिहास भी उठापटक भरा रहा। बहादुरगढ़ के इतिहास और जातीय समीकरणों पर पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मैं बहादुरगढ़ हूं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा औद्योगिक नगर बहादुरगढ़, यहां आधुनिकता का रंग नजर आता है तो ठेठ हरियाणवी सभ्यता की भी निराली छटा देखने को मिलती है। औद्योगिक रूप से मैं जितना अहम हूं, सियासत के लिहाज से भी मेरी अहमियत उतनी ही है। इतिहास गवाह है कि मेरे यहां कभी किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा। यहां राजनीति में कभी कांग्रेस का दौर आया तो कभी लोकदल का दबदबा रहा, तो कभी इनेलो ने बहादुरगढ़ को अपना गढ़ बना लिया। 1968 में यहां से कांग्रेस के प्रताप सिंह दौलता ने जीत का परचम लहराया, तो वहीं 1972 में एनसीओ के संत हरिद्वारी लाल ने जीत हासिल की। 1977 में लोगों से कांग्रेस का मोहभंग हुआ और जनता पार्टी की लहर चली। इसी लहर में जनता पार्टी के मेहर सिंह जीते। वहीं 1982 में लोकदल ने यहां दस्तक दी। 1982 और 1987 में लोकदल के मांगेराम ने जीत हासिल कर ली। 1991 में कांग्रेस ने एक बार फिर यहां अपना दबदबा कायम किया और 1991 में कांग्रेस के सूरजमल ने जीत हासिल कर ली। 1996 में सोशल एक्शन पार्टी एक्शन में आई और नफ़े सिंह राठी ने जीत हासिल कर ली। 2000 में नफ़े सिंह राठी ने इनेलो की टिकट पर चुनाव भी लड़ा और जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन 2005 में आई कांग्रेस लहर के बाद यहां के सियासी समीकरणों के बदलाव देखने को मिले हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र जूर ने जीत हासिल कर ली है। 2009 में कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर से कायम हो गया और राजेंद्र जून एक बार फिर जीतने में कामयाब रहे। मेरे यहां जाट मतदाताओं की संख्या अधिक है और इसी के चलते 1967 से अब तक जाट विधायक ही चुने जाते रहे हैं। जातीय समीकरणों का यहां भी एक अपना अलग रंग है। मेरे यहां कुल मतदाताओं की संख्या करीब 1,80,000 है, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या करीबन 99,000 और जबकि महिला मतदाताओं की संख्या तकरीबन 81,000 है। मेरे यहां के जातीय समीकरण कुछ इस तरह हैं: जाट मतदाता करीब 41%, ब्राह्मण मतदाता करीब 11%, पंजाबी मतदाता करीब 8%, पिछड़ा वर्ग के मतदाता करीब 14%, अनुसूचित जाति के मतदाता करीबन 16% हैं। जाहिर तौर पर जाट वोटरों को साधे बिना बहादुरगढ़ के चुनावी दंगल में जीतना बेहद मुश्किल है। ऐसे में सभी दल वोटरों को लुभाने में लगे हैं। कांग्रेस के राजेंद्र जून लगातार तीसरी बार विधायक बनकर इतिहास रचने की बात कह रहे हैं, तो इनेलो यहां एक बार फिर वापसी करने के लिए जी जान से जुटी है। भाजपा भी खुद को मुकाबले में पीछे नहीं मान रही। इस बार यहां रोमांचक मुकाबला होना लाजमी है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या राजेंद्र जून को हुड्डा के साथ से सहारा मिल पाता है या इनेलो सहानुभूति के आधार पर चुनावी समर जीतने को तैयार है। लेकिन नया इतिहास बनता है या इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराएगा, ये तो आने वाला वक्त ही साफ कर पाएगा। फहराल 2014 के चुनावी महासमर का इंतजार अभी से बेसब्री से किया जा रहा है और होना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि चुनाव नजदीक है। बहादुरगढ़ से प्रवीण घनकर के साथ रिपोर्ट, जनता टीवी।
जी हाँ, तो बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपने जाना, उसके राजनीतिक इतिहास के बारे में जाना। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहादुरगढ़ से विधायक राजेंद्र जून जी। राजेंद्र जून जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम के लिए। आपने वक्त निकाला, अपनी जनता के लिए आपने वक्त निकाला। बिल्कुल, तो राजेंद्र जून का हम जिक्र कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की हिस्ट्री आपने जानी, तो विधायक के बारे में भी जानना जरूरी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं राजेंद्र जून के बारे में। अपने पिता की सियासी विरासत को संभालते हुए बहादुरगढ़ के विधायक राजेंद्र जून ने राजनीति की ओर रुख किया। 2005 में अपने पहले ही चुनाव में दिग्गज इनेलो नेता नफे सिंह राठी को हराकर राजेंद्र जून ने सियासत में अपनी अलग पहचान बनाई। विधायक राजेंद्र जून का सफरनामा। 15 अगस्त 1956 को हुआ राजेंद्र जून का जन्म। 9वीं तक पंजाब पब्लिक स्कूल से हासिल की शिक्षा, एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल से 12वीं पास की, दिल्ली विश्वविद्यालय से हासिल की स्नातक की डिग्री। पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला। राजेंद्र जून के पिता सूरजमल भी रहे हैं बहादुरगढ़ से विधायक। 2005 में पहली बार लड़ा विधानसभा चुनाव, इनेलो के नफे सिंह राठी को हराकर बने विधायक। 2009 में दूसरी बार लड़ा विधानसभा चुनाव, इनेलो के नफे सिंह राठी को करीब 20,000 वोटों से हराया। जाहिर है कि राजेंद्र जून ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाला है और लगातार 2 बार विधायक चुने जाने के बाद अब वो 3री बार चुनाव जीतकर इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिल्कुल, तो चुनावों की तैयारियां हो रही हैं, बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी चुनाव के लिए तैयार है। ऐसे में हम ये चाहते हैं कि बहादुरगढ़ की जनता सीधे हमारे साथ जुड़े। 0111-4321-4321 हमारा नंबर है, जिसपे कॉल करके आप लोग अपने विधायक से सीधा सवाल कर सकते हैं। क्या कुछ आपसे वादे किए गए, कितना काम हुआ, दिल्ली से अटैच्ड हैं तो आप कितने सेटिस्फाई हैं, जो भी जहन में आ रहा है आप अपने विधायक से जरूर जुड़ सकते हैं हमारे साथ और उनसे सवाल कर सकते हैं। शब्द मर्यादित रखिएगा और तो और हम चाहते हैं कि सभ्य भाषा का इस्तेमाल भी कीजिएगा। 0111-4321-4321 हमारा नंबर है। राजेंद्र जी, बहादुरगढ़ क्योंकि दिल्ली से अटैच्ड है, काफी इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, क्या कुछ आपने अभी इंडस्ट्री के लिए किया वहां पर? देखिए, बहादुरगढ़ के अंदर, बहादुरगढ़ एक इंडस्ट्रियल टाउन है जी। 1961 के अंदर मेरे पिताजी ने ये 2 बड़ी-बड़ी फैक्ट्री लेके आए थे, HNG और सोमानी। उसके बाद हमारी सरकार आई 2005 के अंदर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सेक्टर 16-17 जो है ना काटे, और इसमें आज कम से कम 3,000 एकड़ जो है ना फैक्ट्रियां चल रही है, और सबसे बड़ा जो है ना औद्योगिक जो है ना टाउन जो है ना हमारा ये है। तो आगे और भी तरक्की होने लग रही है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये बहादुरगढ़ सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, तो इंडस्ट्रियल टाउन होगा और रोजगार भी मिलेगा। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़े हैं, राम स्वागत जी, क्या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप अपने विधायक से? राम स्वरूप जी कहिए। नमस्कार जी। नमस्कार विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बार सब्जी मंडी में, नई सब्जी मंडी जो झज्जर रोड पर है, उसमें 210 फुटकर सब्जी बिक रहता है जो 900 रुपए महीना किराया देते हैं, लेकिन वहाँ पर ना बिजली की व्यवस्था है, ना शहर दिया गया हम लोगों को। और विधायक जी, आप आए भी थे सब्जी मंडी में तो आप बोले थे कि आप लोगों को चिट करके शहर में देंगे, लेकिन उसके बाद नहीं दिया गया, ना तो बिजली पानी की व्यवस्था है हम लोगों को, कोई इतनी गंदगी में रहते हैं, हम अपना झोपड़पट्टी बना के रहते हैं, बारिश से चारों तरफ भर जाता है पानी, थोड़ा सा पानी होने के बाद चारों तरफ पानी भर जाता है। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इसके बारे में कुछ सोल्व किया जाए। राम स्वरूप जी, देखिए, जो सब्जी मंडी है, जब मैं 2005 में आया था तो उस टाइम कोई शेड वगैरह नहीं था, और एक शेड मैंने बनवा दिया है, दूसरा शेड जो है जो उसका टेंडर हो गए हैं और उसका काम स्टार्ट हो जाएगा, और जो आप लोग वहाँ जो बैठे हैं मच्छर लोग, उनके लिए जो है ना सरकार से मैंने जो ना वो आपके अलग से जो है ना वो बनेंगे छोटे छोटे कमरे, और उसमें आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जो पानी की आप समस्या बता रहे हैं, क्योंकि वो लो एरिया है, तो उसमें जो ये नया शेड बना रहे जा रहे हैं, जो आपका शेड अभी बना हुआ है, इसके पीछे वाले पानी भरता है, तो वो शेड बनने के बाद और
साथ में उसके जरा नारियां बनेंगी तो ये आपका समस्या भी दूर हो जाएगी। टेंडर लग गया है, ये अभी आपका जरा काम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन होने वाला है। नरेश हमारे साथ एक और कॉलर है। नरेश जी आपका क्या सवाल है अपने विधायक से? हाँ, मेरा अपने विधायक से सवाल है जी। जी विधायक के ही गांव में शहीद राजेश जून स्टेडियम, इसमें 31/12/2007 को 32,90,730 रुपए इस स्टेडियम के निर्माण के लिए आए थे। रिकॉर्ड और ऑन पेपर सारा पैसा खर्च हो चुका है। विधायक से जब इस बात की शिकायत करते तो करे डीसी साहब जो है ना इसकी जांच करा रहे पिछले 5 साल से। स्टेडियम का काम आज भी अधूरा पड़ा है। दूसरा मेरा है आदर्श गांव नूना माजरा, जो विधायक का ही गांव है। आदर्श गांव ये घोषित हुआ था, इसमें एसडीओ और जेई को रेड हैंडेड मैंने ट्रैप कराया था सीमेंट चोरी करते हुए, ट्राला 600 बैग, और उसमें एफआईआर भी लॉज हुई। वो एफआईआर मेरी शिकायत पर ना हो गए, जब मैंने पकड़वाया उसे मेरी शिकायत पर ना हो गए, उसी चोर उसी भ्रष्ट एसडीओ की शिकायत पर हुई। आज उसी में से उस जेई को विधायक जून के जो है ना ट्रांसफर ऑर्डर से इन्हीं के सिफारिश पे आज फिर वो मार्केटिंग बोर्ड में बैठा है। और दूसरा पीडब्ल्यूडी रोड नूना माजरा में 44 लाख का जो है ना टेंडर किया था इन्होंने ड्रेन का रोड के दोनों साइड, वो आज तक भी नहीं हुआ, जबकि अब जो है ना उसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है ना उसको बना रही है। वो पूरा पैसा घोटाला, और विधायक के गांव में ही 26 लाख से आज से 4 साल पहले विधायक नारियल फोड़ के गए थे इन्हीं के भाई के मकान का रोड में आने की वजह से जो है ना उस नाले का निर्माण नहीं हो पाया और वो पैसा फुर्जबुर्द कर दिया गया। बहादुरगढ़ में वार्ड 13 में गरियों का घोटाला, जिसके खिलाफ केस रजिस्टर हो चुका है नगर परिषद के खिलाफ, और उस पर आज तक जो है ना इन्हीं की मेहरबानी से उन करप्ट ठेकेदारों और अधिकारियों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा अभी आपने विधायक की फुटेज दिखाई थी, इसमें इनके नगर परिषद के वाइस चेयरमैन धर्मवीर सिंह जिनको जो है ना नक्शा घोटाले में 2.5 करोड़ के में 3 महीने जेल रहना पड़ा, और उन्होंने आरटीआई के दौरान ही ये कहा था कि ये आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्होंने ये घोटाला उजागर किया है ये सब करप्ट है, भ्रष्ट है, ब्लैकमेलर है। 2009 में सूचना अधिकार के बारे में जो इन्होंने कहा था अपने चुनाव घोषणा पत्र में, हमने देश की जनता को सूचना का अधिकार कानून दिया। चलिए इन सब के जवाब लेंगे। हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए। प्रदीप जी आपका क्या सवाल है अपने विधायक से? चलिए लगता है संपर्क टूट गया। तेजवीर जी हमारे साथ में, क्या आप पूछना चाहते हैं अपने विधायक से? चलिए लगता है इनसे भी संपर्क टूट गया। धर्मवीर जी आप कहिए। हाँ जी, मैं कह रहा था कि हमारा विधायक जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हमारे बादलगढ़ में काम किए, और इससे हम ये उम्मीद करते हैं आने वाले समय यही हमारा विधायक बने। चलिए आने वाले समय में यही विधायक बनेंगे। तो बाकी दर्शकों से भी हम जानना चाहते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं अपने विधायक से। निष्पक्ष प्रोग्राम है, ऐसे में हम ये चाहते हैं कि जो भी सवाल आपके जहन में है शब्द मर्यादित रखना है, भाषा पे भी संयम रखना है, और क्योंकि विधायक हैं जो उनके जिम्मेदारियां हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में, आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपसे जो वादे किए गए उन